गाइज अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अभी दीपिका भी इंशाल्लाह यहाँ पे कुछ देर में आने वाली है, लैंड हो चुकी है, वो बात हो चुकी है, अभी आने वाली है। और अभी इफ्तारी का वक्त भी होने वाला है, उसके बाद फिर एज यूजुअल जैसे कि मैंने आपसे बताया कि वो जाना खाना तकसीम करने के लिए वहाँ पे हम लोग निकलेंगे, और फिर उसके बाद अम्मी का बर्थडे ब्रिंग इन करेंगे। तो आज स्पेशल ओकेजन ये है कि अम्मी का बर्थडे है जिसको हम ब्रिंग इन करेंगे। अभी हम आ गए नीचे क्योंकि अम्मी का है बर्थडे, और ज़्यादा कुछ तो है नहीं क्योंकि आप सबको पता है कि लॉकडाउन है। हम छोटा सा केक कट करेंगे, बाकी सेलिब्रेशन होगा कल। लेकिन और ये भी आ चुकी हैं, लेकिन इनसे गलती हो गई है। क्या हो गई? केक गिर गया। इनसे केक गिर गया मैडम से। ये देखो इन्होंने केक का क्या हाल कर दिया। हाँ रेहान कैंडल ढूंढ रही थी। हाँ इसे पकड़ के कैंडल ढूंढ, बड़ा मैं अच्छा बनने की कोशिश कर रही थी कि मैंने चाकू हाथ में लिया। मैंने सोचा हम हर बार एक चीज भूल जाते हैं, या तो चाकू या कैंडल। फिर मैं कैंडल लेने के लिए मैं ड्रॉर में गई, मैंने ड्रॉर खोला, ड्रॉर में नहीं थी, बंद किया। अब मैंने टर्न किया तो वो दरवाजे में मेरा स्लीव अटक गया, गिर गया पूरा। हाँ कोई नहीं, देख रहे हो आप क्या चल रहा है। अम्मी फुल रेडी हो रही है केक कटिंग के लिए। मेकअप हो रहा है अम्मी का। ओहो नया सूट पहने हो। अच्छा क्या बात है, बर्थडे। हाँ अच्छा लग रहा है, कलर अच्छा लग रहा है बहुत, दुपट्टा कलर। ओहो बर्थडे गर्ल। ये देखो पहले बैठ गई अपने जगह पे जाके। अच्छा लग रहा है, दिखाओ हंसो। मैंने गड़बड़ कर दी, ये खोलो। कैसे गिर गया? अरे कोई बात नहीं ना, ठीक है, क्यों मेरा डब्बा गिरा। हमने देखा ये केक गिरा दिया। कोई बात नहीं, डब्बा गिर गया मेरे हाथ से, सबसे गलती होती है। चलो कोई बात नहीं, मैं कैंडल ढूंढ रही थी और मैं पलटी तो शिकायत लगाने लगा। अरे शिकायत नहीं लगा रहा मैं, शिकायत तो है ये। अरे मैं बता रहा हूँ कि मुझे क्या हो गया। जैसे बोला कि अम्मी देखो। अरे अम्मी मैं शिकायत है ये, अम्मी मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्या। नहीं नहीं शिकायत है ये, कोई नहीं खराब हुआ, तुम चलो ठीक है। क्या हंस रहे हो जी, मुंडी करके हंस रहे हो आप? अरे वो पहले मैं तो देख कैंसर ही हूं, तुम मेरा को भी। क्यों क्यों हंस रही अम्मी? क्यों नहीं हंसे, हर बीबी अपने आदमी की तरफ देख के हंसती है, ये भी कोई बुरी बात है क्या? अपने सारा की तरफ सब हंसते, हमने भी हंस दिया। बताओ पापा मुस्कुराहटे वाली चल रहा है वो। एक दूसरे को देख के मुस्कुराना अच्छी लग रही है अम्मी आज ना? अच्छी लग रही है, रही है। रही है ना, आप तारीफ कर रहे हैं। अरे ओहो ओहो तीनों की तरफ से। नहीं नहीं आप तो हां हां आ जा आ जा, चलो अच्छा केक टूट गया कोई बात नहीं, ये तो मिल गया अम्मी को। अब इसमें देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है? हैप्पी बर्थडे अम्मी। ये देखो मैं तो पढ़ी नहीं, पढ़ के बता दी। चलो अभी केक काटते हैं। अच्छा हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, happy birthday dear Ammi, happy birthday to you। बस आप खिलाओ अम्मी को। चलो माता चुमो आराम से। ओह माशाल्लाह क्या बात है। बस
आज बर्थडे कुछ बोल दो अम्मी के बारे में, जो दिल में है वो बोल दो। सबसे पहले मुंह साफ करो। पापा पंच मारने लगे। मेरा मुंह साफ करो। क्या हो गया? हाँ, मैंने उसे बोला आओ पापा कुछ। मैंने बोला पापा कुछ दुआ दे दो, अम्मी का बर्थडे है। पापा बोलते हैं अच्छा। अम्मी को देखा, बोलते सबसे पहले अपना मुंह साफ करो। हाँ चलो ऐसे दे दो, ऐसे दे दो। हम तो पहले कह चुके हैं, पहले दुआ दे चुके हैं, देते हैं उसको कि अल्लाह उसको कोई मतलब दिल में कोई अम्मी के खिलाफ वो तो नहीं है ना। खुश हो ना एक शोहर अपनी वाइफ से। हाँ, हाँ, बस खत्म, यही अम्मी की कमाई। कुछ नहीं। मैं वापस आ गई। अभी अम्मी का बर्थडे है, क्या प्रिपरेशन चल रही है? अब हो जाएगा तब बताऊंगी। फिर भी केक बना रही हूं। कल केक तो बनाना बनता है, केक जब तोड़ दिया ऐसे तो दूसरा बनाना तो बनता है। क्यों? हाँ, केक बना रही हूं। केक बन रहा है और पता नहीं, और पता नहीं अभी। क्या किया? हाँ, क्या किया? ये देखो, ये जनाब यहाँ पैकेट उठा रहे थे प्याज का, इन्होंने पूरा। चलो दीनो उठाओ, चलो काम पे लग जाओ। शकल दिखाओ, शकल दिखाओ। हाँ, कौन बोल रहे? रेहान। क्या? पहले यहाँ। अच्छा, पहले यहाँ। सर संभाल के। हाँ। ये पड़ा नीचे, ये पड़ा यहाँ पे। मेरे भाई। तो ये बन गया है अभी बेड, फाइनली बेड आ गया है, सेट हो गया है। तो आपको तो पता है कि हमारा बेड जो था वो पूरा हमने वापस कर दिया था, खराब हो चुका था। उसके बाद फिर जिम्मेदारी ली थी राशिद भाई ने कि मैं आपको बेड बनवा के देता हूँ जल्दी में। और ये है शाहरुख, ये इन्होंने बेड बनाया है, ये कारपेंटर है। तो अच्छा लगा, मस्त है, जैसा सोचे थे। क्यों? बहुत बहुत अच्छा बना, एकदम परफेक्ट बना, परफेक्ट बना है। तो शाहरुख गुड जॉब, राशिद भाई थैंक यू, थैंक यू। यस रेडी? यस, दो बन गए, दो बनने। आज ये भी हमारे साथ इफ्तारी कर रहे हैं। तो आज का भी पूरा रेडी है। और आज हमने मेन्यू में दाल चावल जो रोटी सब्जी हुआ करती थी उसको चेंज करके आज हमने बिरयानी, वेज बिरयानी ऑर्डर की है कि आज हम सबको वेज बिरयानी खिलाई जाएगी। तो अभी मैं आ गया हूँ घर, नहा लिया है, सब कुछ हो गया है। अभी ये रखी है मेरी चाय। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जो दीपिका केक कल तो उसने बर्बाद कर दिया था गिरा के, और जो आज वो बनाने वाली थी उसका क्या हाल हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। क्यों आ गए जल्दी से, कैमरा उठा के जाओ ना बाहर। क्या 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 गड़बड़ हुई पहले बताओ? कुछ नहीं हुआ। कुछ तो, तुमने मुझे मैसेज किया था, मैं बाहर था खाना वो बांटने गया, तुमने मुझे मैसेज किया था कि केक ऑर्डर कर दो। नहीं क्या हो गया? बोलते चॉकलेट जल गई मुझसे। तो फिर जली हुई चॉकलेट खाओगी अम्मी को? देखो स्वाद बुरा नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बिस्किट जैसा बन गया है क्योंकि वो चॉकलेट जल गई। तो वो इसका हमेशा गया, अम्मी के केक में कुछ ना कुछ होता है। क्यों ऐसा हो रहा है? पिछली बार अच्छा बना था, अभी पिछली बार वो फ्रिज में लेके रही।
वो शुरुआत थी ना घर पे केक बनाने की, वो लो याद आ गया वो वक्त इस बार। लेकिन ये देखो ब्यूटीफुल कितना लग रहा है। हाँ तो बस ब्यूटीफुल है, खाने में देखते हैं। ऐसा मत बोलो, अच्छा ही होगा। चलो चाय पी लो। पापा नीचे इसमें बैठ जाएंगे पापा। हमने कहा सालू से कि सालू इतना तो भाई का घर सजा है, इतना तो हमने कहा भाई का घर सजा है, सजाने की क्या जरूरत थी। तो आप सबने तो घर देखा है, पापा ने भी घर देखा है ब्लॉग में, आपने ब्लॉग तो देखा होगा। लेकिन अगर पापा लाइव आज पहली बार जब से ऊपर आए हैं तो पापा को हम घर घुमा रहे हैं। पापा आपको घर कैसा लगा? पापा को घर बहुत ज्यादा पसंद आया। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। आपने नमाज रूम में देखा भी? आपको नमाज रूम दिखाते आओ। ये भी चेंज कर दिया पूरा। ये बैग ये देखो बहुत अच्छा है। ये देखो ये बैग आज आ गया। ये अच्छा ब्रेड उसको मंगाया है? हाँ। ये देखो चप्पल देखो। ये देखो हाँ मैं देखो। अरे बहुत अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छा। ध्यान रखिए तो आज का केक सही ही बना। नहीं नहीं आप काटोगे तो आपको पता चलेगा। उसको देखो पीछे ये कैसे चढ़ गई, खुद चढ़ा है। चलो काटो, चलो केक काटो, मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ। चलो चलो मैं क्या काटो। चलो बिस्मिल्लाह। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। केक कट गया, केक कट गया, केक कट गया। हैप्पी बर्थडे डियर अम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। दीपिका कह रही है कि केक अच्छा नहीं है। ये कहने को तो केक है। हाँ। केक है, लेकिन जो केक में इतना प्यार इतनी मोहब्बत सास बहू की भरी है कि वो किसका मोल नहीं है केक का। सही बात। जब मैं आई दीपिका बोली कि ये केक अम्मी आज अच्छा नहीं बना, मैंने कहा बेटा ये सास बहू का प्यार है, अपने परिवार का फैमिली का प्यार। कहने को ये केक है। हाँ। लेकिन ये केक नहीं, ये मोहब्बत है, ये प्यार है। प्यार भरा है। अरे अम्मी मुझे पता है, मैं थी अम्मी। अम्मी ने मेरी गड़बड़ को छुपा दिया। मैं एकदम खा के आपको सही बताऊंगी भाभी। अल्लाह सास की बहू की ऐसी मोहब्बत जिंदगी ऐसी। चलो भाई आमीन बोलो। आमीन। सभी बच्चों से मैं अम्मी ये बोलना चाह रही है कि जितने भी दुनिया में बच्चे हों सभी अपने माँ बाप को ऐसी खुशियाँ दें। सही बात। इसी में सब कुछ है। सभी लोगों ने आपको विश किया है। हाँ। आपका यूट्यूब पे हो गया, सब इंस्टा पे पोस्ट डाला था, तो सबने बहुत सारी दुआएं दी हैं आपको, तो उनको क्या बोलोगे आप? जैसे अम्मी को सब मोहब्बत करते हैं, अम्मी भी उनको बहुत मोहब्बत करती है दिल से। आप लोगों ने इतनी मुझे खुशी दी और दुआएं दी, अम्मी को याद किया। हमेशा अम्मी आपके साथ है और आपको हमेशा दुआओं में याद करेगी अम्मी आप लोगों को। आमीन। आज तो अम्मी का बर्थडे है, अम्मी को बहुत से लोगों ने मुबारकबाद दी है, प्लस आपको भी लोग बहुत पूछते हैं। ठीक है, आज अम्मी का बर्थडे, तो आप भी कुछ कहना चाहोगे उनसे? आप सब बोलते हैं कि पापा की तबीयत ठीक हो जाए, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। जिन लोगों ने मेरे को पूछा उन लोगों को मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे को याद किया। वालेकुम सलाम बेटा। आपको मैं बता दूं, वो आया था ममता और अशरफ भाई का, अम्मी को उन्हें विश करना था, तो यस उनसे भी बात हुई और बहुत बहुत शुक्रिया आपने याद रखा, फोन किया, तो अम्मी भी बहुत खुश हो गए हैं और बस अभी हम कुछ खाते हैं। कल रात को मैंने आपसे बोला कि मैं आपसे बात करता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं शूट ही नहीं कर पाया। उसके बाद फिर मतलब नहीं जहन में आया और फिर सहरी करके मैं सो गया। तो इस वीडियो की एंडिंग में अभी फिर से नेक्स्ट डे कर रहा हूँ। तो ये था 2 दिन का वीडियो, तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अम्मी को आपने ढेर सारी विशेज़ दी हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये था अम्मी का छोटा सा सेलिब्रेशन, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, लेकिन अम्मी की ट्रिप ड्यू है। तो बस मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए और जो मर्जी है वो करिए, लेकिन अच्छी चीज़ बुरी चीज़ नहीं। ठीक है, और पेरेंट्स का ख्याल रखिए, उनको रिस्पेक्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।